भाई मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, 28 जून बैच। हेलो यस सर, आज नेट्रो सेक्शन कैसा लगा? बहुत किसको अच्छा लगा? समझ में आया? यस सर। हाँ, डीप लेवल पे एक लाइनों को समझाया? यस सर। हमारे पास एक सेट है और ये हमारे एक स्टूडेंट का सेट है, सलमान का। इस सेट में रेडमी 9 है और इस सेट में अभी नो सर्विस है। क्या है? नो सर्विस। तो हम इसको रिपेयर करें। हेलो यस सर। इसको रिपेयर करने से पहले हमने बहुत सारी चीजें समझी है कि हमें क्या चेक करना है, पहला क्या चेक नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर और ये यूट्यूब में पहला वीडियो रहेगा जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। हेलो यस सर। क्योंकि अभी तक ये वाली इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में नहीं है, डायरेक्ट चेक करना है। अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले हम इस फोन के अंदर क्या चेक करेंगे? सिम। अगर सिम इनेबल है तो दूसरे नंबर पे हम इस फोन के अंदर कहां जाएंगे? तीसरे नंबर पे हम इस फोन के अंदर क्या चेक करेंगे? ताकि हम ये पता कर लें कि हमारा सॉफ्टवेयर ओके है। हेलो yes, मैंने आपको सिखाया है कि ये सब होने के बाद भी सॉफ्टवेयर फेल होता है। हेलो सॉफ्टवेयर चेक एक्चुअल में एक और से करते हैं जो मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा और आपको बता चुका हूं, सिर्फ याद दिलाऊंगा। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, हमारा क्या चेक करेंगे जल्दी बताओ? रेडियो ऑन ऑफ। रेडियो ऑन ऑफ चेक करने के लिए कोड काम ना करे तो भी हम चेक कर सकते हैं। कौन कौन चेक कर सकता है? ठीक है, रेडियो ऑन ऑफ चेक करने के बाद हम क्या चेक करेंगे? लिस्ट बन रही थी? नहीं। लिस्ट चेक करने के लिए हम अपना कौन सा सिम यूज नहीं करेंगे? और लिस्ट हमने दो पैटर्न में चेक करना है, एक 2G में भी, 4G में भी। हेलो यस सर। लिस्ट चेक करते समय बहुत ध्यान देना है, हमारे को 2G का भी लिस्ट दिखना चाहिए, 4G का भी दिखना चाहिए, मतलब 2G टॉवर भी। हेलो यस सर। अगर इतना सब सही हो गया, हेलो यस सर, तो हम किस किस को नहीं छुएंगे जल्दी बताओ? हम अपने किसको नहीं छुएंगे, किसको नहीं चेक करेंगे और हम किस लाइन पर नहीं जाएंगे? हेलो यस सर। किसको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है? सब बोर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। एंटीना लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, ना एंटीना चेक करने की जरूरत है, ना सब बोर्ड चेक करने की जरूरत है, क्योंकि लिस्ट बनने के बाद ये सारा मामला चाहता है कौन सी आईसी ऊपर जल्दी बताओ। हेलो यस सर। हमने पीएफओ की एक एक लाइन डिटेल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? yes, किस किस ने पढ़ी है जल्दी बताओ? कि दो नंबर, तीन नंबर, चार, ये नहीं कि सिर्फ 5, 6, 7 पढ़ ली। हेलो यस सर। सीपीएल हेलो यस सर। आ जाओ फिर अपन बनाए सेट। आओ सलमान। तो सलमान सबसे पहले इसमें देखो सिम दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहां से दिखाओ, फोन को ऑन करो और दिखाओ यहां से सिम वहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सब लोग सिम मैनेजर पे जाकर यहां दिखाओ, तो अभी कोई सिम ही नहीं दिख रही है, तो सिम लगाओ भाई, सिम दो लगाओ भाई इसमें से। सबसे देखो वीडियो में सभी लोगों को, पूरे इंडिया भर के लोगों को एक चीज में मैसेज देना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, कि कभी भी किसी भी कस्टमर की सिम के नेटवर्क के फोनों में हम अपनी सिम नहीं तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आपके हाथ में कस्टमर की पूरी हाँ ना हो जाए। मतलब कस्टमर का आपने अपने आधार कार्ड लेना है, कस्टमर के आपको बकायदा आपके पास एक लेटर होना चाहिए जो हम इनको देंगे या जो इनके पास होंगे, वो लेटर में सिग्नेचर कराना है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी रहती है कि चोरी का होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। और तीसरे नंबर पे अगर आप ले सको तो आपको कस्टमर का एक छोटा सा वीडियो लेना है सिर्फ सेल्फ रिकॉर्ड रखने के लिए। वीडियो में आपको ये पूछना है कि भाई ये जो फ़ोन है आपका है, आप किसके लिए लाए हो और आप मेरे से क्या चाहते हो, बस तीन चीजें, समझो मेरी बात। और आपके पास का बिल डब्बा क्यों नहीं है? हेलो, ताकि ये कल को वीडियो देखो लिखा पड़ी कल को कोई भी ठुकरा देता है। मैंने ऐसे बहुत से अपने देखे स्टूडेंट या कस्टमर जो ये भी बोल देते हैं ये सिग्नेचर हमारे नहीं है, और जो ये भी बोल देंगे कि ये आईडी हमने इनने चुराई है हमारे से या हमारे फेसबुक से निकाल ली है फलाना,
तो ये सब कुछ बाद में कोर्ट में जाकर जब बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी सिम पर मुकदमा चल रहा है किसी मर्डर केस का या किसी चोरी का, तो वो आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि जब मुकदमा चलता है तो सिम कार्ड ट्रेसेबल होती है और उस चक्कर में आप उसके साथी माने जाओगे। तो आप पर पुलिस इसलिए सख्त करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी चोरी में शामिल हो सकते हो। हेलो, इससे बचने के लिए अच्छा है कि आप वीडियो ही मांगे। क्या मांगे? वीडियो। सही कस्टमर वीडियो देगा। वीडियो इस सेट पर मांगे कि हम कहीं डालेंगे नहीं, आप अपने पास रखेंगे और आपके आप जब आएंगे तो आपको डिलीट भी कर देंगे। हेलो, अगर डालेंगे तो आप भले ही हम पर FIR कर दो या कुछ कर दो, बट हम ये वीडियो अपने लिए ले रहे हैं सर। और अगर वो सही रहा तो ही वीडियो देगा, और सही नहीं है तो वीडियो नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा सर। ठीक है, सलमान बताओ तो सिम देखो, आर्य सिम सलमान, आप इस सिम के अंदर जाओ। अब हम सबसे पहले IMEI चेक करते हैं। IMEI चेक करो, IMEI को छुपा के चेक करवाओ। ठीक है, IMEI भी आ रहा है। आप सलमान बेसमेंट चेक कराओ। तो ये तो ये है कि सॉफ्टवेयर ओके है कि नहीं ओके है। बेसमेंट भी हमारा देखो तुम आ रहा है मौली, तो ये हमारा हो गया। अब सलमान इसके अंदर रेडियो ऑन ऑफ चेक करो, पहले हैश कोड डाल के। दिखाओ तो आप देखो इसमें रेडियो भी ऑन आ रहा है। हेलो, अब सलमान इसकी लिस्ट दिखाओ। अब इसकी लिस्ट चेक करेंगे तो पहले हम लिस्ट जो नेटवर्क सिलेक्टेड रहता है पहले से उसी में चेक करेंगे, फिर बाद में हम इसमें 2G में जाएंगे। हम क्योंकि सिम कौन सी यूज कर रहे हैं, 2G में नहीं जा पाएंगे। देखो यहाँ पर सामने ये देखो लिस्ट यहाँ पर चेक हो रहा है, सचिक मोड पे है। करो करो, का लिस्ट बनता है। हेलो, क्योंकि जियो लगा है इसलिए 4G का पूरा लिस्ट बन रहा है, जियो का भी दिखाई दे रहा है। तो जब लिस्ट मतलब 2G का भी बन रहा होगा। हेलो, और ऐसा होता नहीं है कि 4G का बने और 2G का ना बने। तो सीधी सी बात है, क्या क्या ओके है बताओ। पहला RFIC 1.8, HDSCL एंटीना की सारी लाइनें हैं, और एंटीना की सारी लाइनों के बाद में क्या क्या ओके है भाई तुम्हारा। CPU ओके है, मतलब यहाँ लिस्ट बन रही है, फिर भी यहाँ ये इमरजेंसी में हो रहा होगा। दो सर्विस है इमरजेंसी में जा चुका है, अभी दो सर्विस दिखा रहा है हमारे को। तो अब हम क्या करें, अब हम सीधी की तौर पे हैं, अब अपने वोल्टेज चेक करेंगे PFO के। हेलो, पहले अरमान आप अपना पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे 2G PFO का। किसका? 2G PFO का। रखो भाई सामने, 2G PFO का चेक करना बनता नहीं है, हम 4G पे डायरेक्ट जाएंगे, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। ये 2G PFO है हमें पे, हमको कोई डायग्राम की जरूरत है क्या? हेलो, क्योंकि हर पिन पता है और हर वोल्टेज पता है। एक मिनट सर, फिर भी हम यहाँ पे डायग्राम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम एक YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं। हेलो, क्योंकि YouTube वालों को तो पता है क्या? नहीं, तो हम यहाँ पर बताने के लिए कि सही जगह खोल रहे हैं। हमें पता है कि हमें इसकी 7 नंबर पे जाना है। हेलो, और 9 10 देखिए, तो यहाँ पर हम 9 खोलेंगे। बिटमैप भी खोलेंगे, बिटमैप से ही काम हो जाएगा, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिटमैप के अंदर आपका रहता है सारी सप्लाइयों का नाम, अगर आप सो पैड इनको कर दो तो। तो अब आपने यहाँ जाना है, सोट पैड इनको कर देना है। अब यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा VRU है, तो इसके बाहर का कैपेसिटर ये है। मतलब सलमान इधर देखो 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो भाई। हाँ कर लो, एडजस्ट कर लो। आ रहा है और हमको 1.8 चेक करने की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि 1.8 अगर नहीं आता तो हमारा रेडियो ऑफ हो जाता। हेलो, अब हम चेक करेंगे हमारी 9-10 लाइन पे, जो कि ये पूरी लाइन है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरा इसमें से किसी भी एक पैड, ये नीचे वाले पैड का चेक कर लो, 4 वोल्टेज
ये भी आ रहे हैं हेलो, पर ये भी जरूरी नहीं है कि अंदर आईसी तक घुस रहे कि नहीं, पर फिलहाल हमारे ये दो आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने फौजी पीएफओ पर। कहाँ जाएंगे जल्दी बताओ। अब तक फौजी पीएफओ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें सिम भी लगी होनी चाहिए और हमारा बेसिकली चेक करते हैं सिम भी लगी होनी चाहिए क्योंकि फौजी पीएफओ पीछे है। तो सलमान पीसी भी बाहर निकालो। अब हमें यहाँ पर जंपर लेना पड़ेगा। हेलो yes, क्या लेना पड़ेगा yes, आप पूरी पीसी भी फंसानी पड़ेगी और जंपर में वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। हेलो yes, अनिल वो प्लेट दो। अनिल का एक पतरा वाला प्लेट दो जरा। सिम लगी है डिस्प्ले ऑन कर पूरा ऑन कर। अरे दो मिनट में जंपर लगता है तो सही है। तो भैया टेक्नीशियन ने टेक्निक निकाल ली है। चलो देखो जरा देखा भाई वो जी पी एफ ओ पहली हो। अब पहले तो माइक्रोस्कोप में चेक कर लो भाई तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ चेक करना है और थोड़ा जूम कर लो थोड़ा। हाँ जी देखो सलमान सबसे पहले हमें चेक करना है ये बी आई ओ ये वाला कैपेसिटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ देखो 1.8 वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इसके इसी के जस्ट बगल में हमारा वोल्टेज है बी बैंड चार। इसी के बगल वाले पैड ये कैपेसिटर में चेक करो यहाँ पर ये वही 3.6 3.4.2 इधर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब अब क्योंकि हमारा 4GPFO में केवल दो वोल्टेज नहीं है, कितने वोल्टेज है कितने है तीसरा वोल्टेज इसके जस्ट आगे सामने है एबीपी बीपीए। तो सलमान ये वहाँ ये जो ये दिखाई दे रहा है इसमें दिखा करूँ ये सारे वोल्टेज बड़ा वाला कैपेसिटर में चेक करो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पर देखो यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं है। हेलो मतलब एपीटी वोल्टेज बना गया। यही रीजन है कि सब कुछ सही है। हेलो और बस हमारा लिस्ट भी बन रहा है बट हमारा तब भी नो सर्विस आ रहा है क्योंकि हमारा जो मेन एक वोल्टेज है जो सब कुछ सही होने के बाद काम करता है वो है एपीटी। क्या है एपीटी क्योंकि देखो अगर अपन गलत है तो ये काम करने के बाद भी आपका नेटवर्क आएगा नहीं। पता चला पीएफओ बदलना पड़ रहा है या सीपीयू रिवॉल करना पड़ रहा है या एचडीएससीएल है पर हमने जितना भी पढ़ाया हर पॉइंट के हिसाब से हमने बताया है। हेलो तो हम क्या कर रहे हैं हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पर हम बाईपास भी करेंगे क्योंकि इसके अंदर एपीटी आईसी नहीं होती है इसके अंदर बक कॉइल होता है। क्या होता है तो हम क्या करेंगे हम बक कॉइल को ही चेंज करेंगे। हेलो पहले हम देखो अब इसकी लाइनों को ढूंढते हैं ये वोल्टेज बना किधर से रहा है। तो ये वोल्टेज बना रहा है ये पावर एसी के ये बक कॉइल से VPA कौन सा VPA PMU VPA। तो पहले तो हम बक कॉइल को चेंज करते हैं। हेलो फिर उसके बाद में किस आईसी को पावर आईसी को जैसे कि लाइट में आप हमेशा क्या करते हो 98% लाइट आईसी से नहीं बनती कॉइल चेंज करने से बनती है। हेलो एक बहुत सिद्धांत है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि 98% सबसे ज्यादा खराब होता है वो कॉइल होता है क्योंकि कॉइल जब स्विचिंग करना बंद कर दे तो आईसी आउटपुट निकालना। इसलिए सबसे पहले अगर आपका आईसी परफेक्ट लग रहा है आपको तो आप पहले कॉइल चेंज करो। क्या चेंज करो तो हम भी यहाँ पर क्या चेंज करेंगे कॉइल। तो ये हमारा बीबीए कॉइल है और फिर हम देखेंगे कि हमारा काम हुआ है कि नहीं। सलमान उठाओ कॉइल चलिए दिखा रहे एक वो दो जरा 6 से 2 या कोई सा भी फ्लैट दो। देखो
मैंने आपको क्या बताया था, एपीटी कॉइल कहाँ होता है? नोज कट पॉइंट का सबसे पहला कॉइल। हेलो, नोज कट पॉइंट का सबसे पहला कॉइल ये एपीटी कॉइल है, और ये तब होता है जब आपकी पांच कॉइल का सर्किट हो। कितना? पांच कॉइल का। क्वांटम में होता है, क्वांटम में एपीटी है। पंखा बंद करो, बड़का हमारे पंखा करो। अब उसको उठा के उसको लगा दो। ये नहीं चेंज करते, पावर बदल लेते सब, पर कॉइलों पे ध्यान ही नहीं जाता, कि क्योंकि लाइट पे तो सब बदल देते हैं, डायोड कॉइल, पर पावर पे कॉइल कोई नहीं बदलता। आप लोग ने डेड सेक्शन में कभी कॉइल बदलते हो क्या पावर के? नहीं। अभी बदलोगे ना तो आपका बग भी बनने लग जाएगा। बग ना बनने का कारण ये कॉइल होता है। मैं अभी एक साइड पे काम कर रहा था कल ही में, तो मैं सीपीयू उतारने के बाद भी बग नहीं बना, पावर चेंज करने का बग नहीं बना, तो मुझे कॉइल ही चेंज करना। जैसे ही मैंने सारे कॉइल उतार दिए, सारे बग बनने चालू हो गए, तो कॉइल उतारना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे डायरेक्ट अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नेटवर्क को समझ के काम कर रहे हैं। हेलो, अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो हम तो WTR के भी जबरदस्ती वोल्टेज चेक कर रहे होते, समझ में? मतलब मैं 100 चेक कर रहे हैं, कहीं 2.8 कहीं 1.8, जबकि ये उसका गेम है ही नहीं। हेलो, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हो रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मतलब सारी IC अपना आउटपुट बना रही है। हेलो, यहाँ आउटपुट सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है। कल दुर्गे परसों, क्योंकि 11 तारीख को दुर्गे सर की क्लास शादी है, तो कल की दुर्गे सर की क्लास सुबह 6 बजे होगी। Yes, sir. Yes, sir. आने को तैयार हो? Yes, sir. और क्योंकि हमारे अभी तक हमने दुर्गे सर की क्लास के बाद हम शाम को स्टूडेंट को घर भेज देते हैं 6 बजे के बाद, पर हम पहली बार आपके फीडबैक के चलते और आपकी इतनी मेहनत के चलते हम कल CPU कॉम्पिटिशन का पहला पार्ट खेलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन खेलेगा? 10 लड़के निकलेंगे। हेलो, हाँ, अब ध्यान देना। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार हमारे को स्पेशल चीफ गेस्ट मिल गए, वो है हमारे मिस्टर रामराज। हेलो, हाँ, भोपाल से आएंगे, और उनकी तरफ से 3 बड़े गिफ्ट हैं तीन लोगों को। एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट कर रहे हैं, हेलो, और 2 और गिफ्ट कर रहे हैं जिसको मैं हिडन रखूंगा, वो हम 19 तारीख को पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा, जो कि आपके फेवर में ही है। हेलो, अच्छा, कल क्लास के बाद, क्योंकि 12 बजे 10 बजे तक तो आपकी सॉफ्टवेयर क्लास हो जाएगी 11 बजे तक, फिर 11 बजे से 5 बजे तक MD सर आपको CPU क्लास दे देंगे, CPU कॉम्पिटिशन। उसके बाद आपके पास में 2 ऑप्शन है, हॉस्टल जाकर सोने का या हमारे साथ जबरदस्त क्रिकेट खेलने का। कौन कौन खेलेगा? लगा लो, पहले चेक करो, फिर बाद में वोल्टेज चेक कर लेना। दोनों ही चेक कर रहे हैं, वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, पहले एक बार चेक कर लो काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर वोल्टेज भी चेक करेंगे, फिर जैसे तुमने निकाला पोर्ट को वैसा वोल्टेज चेक कर लेना, तो हमारे को ये भी पता चल जाएगा कि वोल्टेज मिलता कितना है एक ऑन फोन में अगर आ रहा है तो।
नेटवर्क देखा जाए तो बहुत सरल है, बट नेटवर्क की सारी चीज़ों का अगर आप एक सही पोजीशन पर रखोगे कि ये आ रहा है तो ये ओके होगा, अगर आप ये चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो फिर आप वापस WTR के अंदर पहुंच जाओगे कि भाई अब क्या करूँ ये करके। नेटवर्क बिल्कुल गेम है, जो सॉफ्टवेयर में अगर सॉफ्टवेयर में लिस्ट बन रही है तो समझ लो कि मेरा कितनी चीज़ें ओके हैं। रेडियो ऑन हो रहा है, लिस्ट बन रही है, मेरा WTR ओके है, मेरा 1.8 ओके है, 1.8 क्यों ओके है, क्योंकि 1.8 HDS सेल के लिए होता है, और HDS सेल अगर नहीं होगा तो लिस्ट बनेगा ही नहीं। हेलो, अब जबरदस्ती HDS सेल हमने क्यों चेक किया, हमने चेक किया हम वीडियो बना रहे हैं, अब हम वो भी नहीं चेक करते, हम डायरेक्ट और पावर जल्दी बना सकते हैं, बट जो छिड़े हुए हैंडसेट होते हैं उसके अंदर जैसे रेडियो ऑफ रहता है, फिर वहां हमें बहुत काम करना पड़ता है लंबा चौड़ा। नेटवर्क आ गया भाई, जोड़ा ताली बजा दो कॉलेज के साथ। yes, आज नेटवर्क की क्लास थी। हेलो, yes, किस किस को समझ में आई जल्दी बताओ, किस किस को लगता है कि इस क्लास से मैं बहुत अच्छे नेटवर्क बना सकता हूँ, yes, बहुत एडवांस फॉल्ट निकाल सकता हूँ। हेलो, yes, अभी जाके पूरा पट्टी का लेके क्लाइंट पे कौन कौन करने वाला है, बेसमेंट अननोन, मॉडर्न सर्किट, कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, फ्यूचर मैटर। हेलो, चलो ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि भाई यहाँ से कल हमारा CPU कंपटीशन है, कौन कौन चाहता है कि मैं CPU कंपटीशन में बैठू? यार आप लोगों तो बिल्कुल फ्रेशर हो, आप लोग तो यहीं पर आपने IC लगाई है भाई, तो यही लगाई है ना, तो फिर CPU कंपटीशन में कैसे बैठ सकते हो वहां? तो अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैंने एक जन से इंडिया में, अच्छा अपने जैसा ना बंदा है, बड़ा टेक्नीशियन है, बड़ा टीचर है, तो मैंने ऐसी बात किया था यार हम CPU कंपटीशन कर रहे हैं, वो कह रहा है CPU कंपटीशन कितना डेड में कर रहे हो क्या? बोले डेड में कहीं कंपटीशन होता है क्या? तो कह रहा है कि बाहर से आ रहे क्या तुम्हारे पुराने? बोले नहीं, यही बच्चों के साथ, बोले यही बच्चों के साथ CPU कंपटीशन कर रहे हो? तो वो घबरा गया बेचारा एक तरह से कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब उसको ये लग रहा है कि एक सेम बैच के स्टूडेंट जो पहले रिबोलिंग नहीं कर रहे थे वो आज CPU कंपटीशन में बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। yes, yes, है कि नहीं है? yes, एक बार खड़े होके MD सर के जोरदार ताली बजाइए। ये सिर्फ और सिर्फ MD सर की वजह से हुआ है। हेलो, मेरा माउंट एक्शन है हमेशा रहेगा, पर आपको कराने वाला प्रैक्टिकल MD ही है, समझो मेरी बात, उनकी जो स्किल लेकर चलोगे तो आगे डुअल डेकर भी लगाओगे। हेलो, कौन को लगाएगा डुअल डेकर? बिल्कुल, और CPU कंपटीशन जीतने के लिए खेलेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? और अपना CPU पूरा करके ही उठेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि CPU फेल हो गया उठ गए, CPU करके ही उठ गए, कल एक तरह से CPU रिविजन भी हो जाएगा, जो 10 लड़के निकलेंगे वही 10 लड़के हम आगे 19 तारीख को बिठाएंगे होटल के अंदर, जिसके अंदर रामराज सर एज अ चीफ गेस्ट आएंगे, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और रामराज सर ने आपको बड़े एक टीम गिफ्ट दिए हैं, जिसमें से पहला गिफ्ट है माइक्रोस्कोप। हेलो, वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, 15,000 की चीज आकर ऐसा कोई टूल वाला दे नहीं सकता, समझ रहे हो? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही डीलर हैं जिसका इतना बड़ा दिल है, और वो है ZX मलिक और एक रामराज टूल। तो रामराज ये दो बड़े हैं, क्योंकि एक आदमी चाय भी नहीं पिलाता आज की डेट में। हेलो, 15,000 का माइक्रोस्कोप क्यों देगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत बड़ा है, वो बहुत माइंडेड है, और वो होना भी चाहिए बिजनेस में, समझ रहे हो? तो यार मजा आएगा 19 तारीख को, जबरदस्त खेल का खेल, मजे का मजे। हेलो, कल एक और खेलेंगे क्रिकेट, कौन कौन खेलेगा मेरे साथ? थैंक यू वेरी मच भाई। एक मैं कह रहा था, देखो दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए, पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है। तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो,
और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से